हैं। वर्षा गायकवाड़ मैडम है हमारे साथ में, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो एजुकेशन में काफ़ी बिजी रहती है, उसके बावजूद चीता कैंप में टाइम निकाल कर हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, जैसे कि शबीर भाई हैं, वो कांग्रेस में इन्वॉल्व है, कांग्रेस के मेंबर बने हैं, तो मतलब आगे उनका करियर कैसा होगा? मतलब ये देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और मुझे लगता है भारत देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसको मालूम है स्वतंत्रता का इतिहास है, और ऐसे पार्टी में शब्बीर भाई आए हैं। बिल्कुल उन्होंने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया है, पहले भी काम करते थे सामाजिक माध्यम से, पार्टी के माध्यम से काम करेंगे, और जितना अच्छा काम करेंगे आने वाले दिनों में पार्टी को उसका ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जैसे कि देखा गया कि मतलब चिताग्राम इलाके में, ये इस इलाके में कांग्रेस एक ज़माने से है, लेकिन चार ग्रुपों में या पाँच ग्रुपों में बटे हुए हैं, मतलब वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ नहीं रहे हैं, तो अभी मतलब अपकमिंग इलेक्शन में क्या होगा? नहीं, मैं समझती हूँ कि देखिए, हमारे पार्टी में लोकशाही है, अपने सबको अपने अपने व्यू रखने की यहाँ पे पूरी छूट है, लेकिन हमारे अंदर मतभेद नहीं है, हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि सबको साथ में ले, और जिस तरह से आप स्टेज पे देख सकते थे पार्टी के सभी पदाधिकारी है, आपने भी देखा, सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, सभी यहाँ के मेन पदाधिकारी है, और सभी साथ में मिलकर आके यही कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को मजबूत दिलानी है, मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना है। मैडम, 145 की जो कांग्रेस की एक बॉडी है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, आप वैसी पार्टी को, वैसे लोगों को जो अपना बैनर सिर्फ लगाते हैं हर एक फंक्शन में, मैं कांग्रेस ही हूँ करके, लेकिन ऐसे फंक्शंस में कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए वो आगे नहीं आते? वैसे आप जो एक दो लोगों की बात करें, उनका खुद का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि वो अपने फादर बाहर उनके बीमार है, इसलिए वहाँ पे गए हैं, और उनका मुझे अभी भी फ़ोन आया था, लेकिन मैंने कहा कि अभी मत आइए क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम हमारा खत्म होने को आया। मैम, एक सवाल आपके ये है कि आप जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, तो जो महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो अपने घरों में बैठी हैं, आगे स्टडी नहीं कर पा रही, चाहे कि उनकी फाइनेंशियली इतनी कंडीशन नहीं है, तो सरकार ऐसा, आपकी जो हुकूमत ऐसा क्यों नहीं ला रही कि उन लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप आए, ताकि वो घर बैठकर पढ़ाई आगे की जो हायर स्टडीज़ है? नहीं, देखिए, हायर स्टडीज़ के लिए ऑलरेडी प्रावधान है, शायद बहुत लोग को मालूम नहीं होता है, जैसे मध्यवर्गीयों के लिए अलग स्कीम है, जैसे अनुसूचित जाति जमाती के लिए अलग स्कीम है, माइनॉरिटी के लिए मौलाना आजाद अब्दुल के माध्यम जो है उसके महामंडल के माध्यम से कर्जा दिया जाता है, और बाकी अगर कम्युनिटी को आप देंगे तो संत रोहिदास है, या हमारे लोकशाही महामंडल है, ये सबसे लोन देने का काम होता है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं होती, इसलिए जो आपने मुद्दा रखा है उसके ऊपर पढ़ाई करके हम आपको बिल्कुल भेज देंगे कि कौन सा योजना जिसका फ़ायदा ले सकती है महिलाएं, और अगर कॉलेज में भी नहीं आना चाहती तो यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ है जहाँ से महिलाएं अपना आगे का एजुकेशन परस्यू कर सकती है। मैडम, शब्बीर भाई के नेतृत्व में कांग्रेस चीता कैंप में काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस वैसे आप सभी ने अपने वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही यहाँ पे, जैसे जब हमारे जावेद खान साहब थे या हमारे सोहेल भाई थे, तब कांग्रेस पहले से यहाँ से मजबूत है, और मुझे लगता है कांग्रेस एक विचारधारा है, जैसे मैंने इनको भी कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है, और कांग्रेस पार्टी में आने से पहले भी वो सामाजिक काम करते थे, पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के रह चुके, तो उनकी आने घर वापसी हुई है, आने से कांग्रेस को 100% मजबूती मिली है, सब साथ में मिलकर ये कार्यक्रम किए हैं, आज सभी पार्टी के पदाधिकारी साथ में है, मैं समझती हूँ पार्टी का मेंबरशिप और पार्टी को संगठन को मजबूत करने का काम इस मीटिंग के माध्यम से। मीटिंग में कोई चीता कैंप के जो कोर मेंबर है उनको देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी सब कोर मेंबर है, सभी थे ना।